बस भाई सेंटर देखिए ना तेरा ही नाम है ना सेम उसके लिए तुझे भी सेम टू सेम चाहिए ना तू भेजा उनको पेट भी देखना कौन सी चल रहा है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया को पूरा पेट का भी चाहिए The table is too tall. They are saying they can't see anybody. सब लड़ रहे हैं प्रतीक आ तेरे लिए क्वेश्चन है उनके पास ये अपने चैनल का ऊपर रख रही है क्योंकि उसका चैनल है वो और उसका ड्रेस अच्छा है आज तुम लोग लड़ते रहे क्या करूं नहीं है टेबल सुनो भाई कोई फ्री है जो घोड़ा बने जिसके ऊपर रख दे कैसे पता आपको ला रहे हैं जिसको चाहिए जब तक ले लो जब तक चालू करो ये भी अपने चैनल का ऊपर रखना है हर्ष अंदर आओ यासो थैंक यू कुछ वो चाहिए तो बोलो क्या बोल गई खतरा खतरा वापस आ रहा है इसमें द लगा दिया है तो इसमें नया क्या होने वाला है आई वॉन्ट टू से ये जो खतरा खतरा के प्रोप्राइटर्स हैं हर्ष और भारती वो बताएंगे क्योंकि अभी हम न्यू कमर्स हैं इसमें हम तो इधर मतलब हमारे साथ तो सिर्फ खतरा ही हो रहा है सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स हाँ मैं खाली खतरा देने आ रही हूँ वीकेंड पे तो वीकडेज पे क्या हो रहा है बताओ हर्ष नया जेन्युइनली ये लास्ट टाइम हमने इस शो के 20 एपिसोड की सीरीज थी जो 150 एपिसोड हमने पूरे किए जिसमें हमने न जाने 300-400 गेम कर दिए बहुत सारी चीजें कर दी एंड वी आर होपिंग दिस सीजन आल्सो सेम थिंग हैपेंस यस 20 के 150 है तो मतलब क्योंकि बच्चों की फीस बहुत महंगी होती है हॉस्पिटल भी बहुत महंगा और हमें भी बच्चे करने हैं यार पहले शादी तो करो पागल है क्या नहीं आप लोगों ने इनको देखा नहीं कि बिग बॉस में इन्होंने क्या यूनिक और एक्साइटेड किया है और सारी गेम्स रद्द की थी वहाँ पर बिल्कुल लेकिन इधर इधर रद्द नहीं हो सकता इधर करना है कोई रद्द नहीं हो सकता क्योंकि
उधर कुछ कह नहीं सकता था, उधर इधर डंडा लेके चैनल खड़ा रहता है, जैसे रद पीछे पड़ता है। और आमतौर पर जब हम गेम के किसी को बोलते थे अरे कर लो, तो आर्टिस्ट ना सेलिब्रिटीज थोड़े नखरे करते थे, इसलिए फरा मैम है यहाँ पर इस बार, तो फरा मैम के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और फरा मैम का हर शो में मैं तो कहती हूँ फरा मैम होने चाहिए, इतना फायदा है ना। एक तो पहले खाना उनके घर से आता है, ऊपर से डायरेक्टर है मैम, तो मैम डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, अरे ये कर ऐसा कर तू ऐसा घूमना, तो इतने सारे काम इतने कम पैसों में ये कर देते हैं। ये बोलना जरूरी था तेरे को, जल्दी पैकअप करवा देती है मैम। क्यों बोला तूने, देख कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नो बट जेन्युइनली आई वाज वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड, क्योंकि खतरा खतरा इज अ वेरी फन शो एंड माय किड्स लव इट, और बहुत पॉपुलर शो है, बहुत सक्सेसफुल शो है, एंड आई एम होपिंग कि ये सीजन इन्होंने और बड़ा कर दिया। इट द गेम्स आर ट्रूली ऐसे, मतलब चिंदी वाले गेम्स नहीं है, द मैकेनिक्स ऑफ इट एंड ऑल इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, और सेलिब्रिटी क्वेश्चन भी अप हो गया है काफी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हर डे आएंगे और वीकेंड पे तो बहुत सारे आएंगे। वीकेंड पे तो फरा मैम लेके ही आ रही है, उन्होंने वादा किया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेके आएंगे, खाना और सेलिब्रिटी वही लेके आएंगे, इसीलिए मुझे ये लोग हायर करते हैं केटरिंग सर्विस और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। तो आई एम ट्रूली एंजॉयिंग, हमने लॉन्च एपिसोड शूट किया एंड इट वॉज टू मच फन, और बेस्ट थिंग वॉज कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत जो हुई है वो मैंने देखी, बट करते करते बहुत मजा आया। आई थिंक ये पहली बार ऐसे सारे चीजें और स्टंट्स हो रहे हैं जो आई थिंक आपने देखे नहीं है, मतलब मैंने कभी किए नहीं है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। एक चीज होती है बिग बॉस के टास्क जो थे वहां पे स्ट्रेस लगता, और यहां पे जो ये गेम्स है ना इनका स्ट्रेस नहीं लगा है। हां इधर सिर्फ हंसने आता है, इधर टास्क हारेगा नहीं, मतलब सिर्फ टांग टूट जाएगी, गर्दन टेढ़ी हो गई, टांग टूट गई, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, सीधा ऐसा ही हो गया। कुछ नहीं, उनको फिर कपड़े चेंज करा के नए कपड़े, बट जो हारता है उसको बराबर पनिशमेंट मिलता है। ये देखा मैंने, तुम लोग विनर को कुछ नहीं देते हो, ले लूजर को पनिशमेंट होती है, क्योंकि हारने वाले का मजा आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सारे शोज देखते हैं, चाहे हम जितने भी नॉन फिक्शन शोज देखे, उसमें विनर के लिए देखा जाता है, हमने इसमें लूजर को इज्जत देने का फैसला किया, हारेगा उसकी वाट लगेगी, उसको पनिशमेंट की चप्पलें पड़ रही है। फरा मैम का पनिशमेंट है, जो हारता है उसे फरा मैम पनिश करती है। अगले हफ्ते इनका पनिशमेंट है राखी सावंत, जो हारेगा उसे राखी को डेट पे ले जाएगा। मैं तो आई थिंक मैं सभी में हार रहा था, ठीक है, मैं तो सिर्फ हारा हूँ, आई थिंक एक जीता मैं, एक जीता था, बट आई थिंक 7-8 खेले हमने, लेकिन जो एंड वाला गेम वो सबसे बेस्ट गेम है। अभी वो देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दिखाना एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज की है, एक सेगमेंट रखा है, इट्स कॉल्ड फारा की लात, और ऐसा मेरा पुतला उन्होंने बनाया था कि मैं क्या बोलूं, मैं चाह रही थी खर्चा उस पुतले में ही गया, करेक्ट हुआ ना, क्योंकि फरा मैम को इतना बड़ा, मतलब हमने रजनीकांत जितना बड़ा एक पोस्टर होता है सब पुतला बनाया है, और मैम को, और मेरा मुंह भी, मेरा मुंह भी उतना ही बड़ा था, मैम को पुतला बिल्कुल नहीं पसंद आया, इन्होंने हमको इतना डांटा है, इतना डांटा, कहते ये पुतला किसने बनाया, बदतमीजो निकालो, मैं कहा मैम एक एपिसोड रहने दो, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। मैंने दो दिन बैक टू बैक गलती से शूट कर ली, तीसरे दिन तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा आज तो पूरे दिन घर पे आराम करना पड़ेगा, इतनी और इतने खतरनाक टास्क है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, क्रेजी है। बट द बेस्ट पार्ट इज वो जो पुतला बना है फरा मैम का, वो करता क्या है वो देखने में सबसे ज्यादा मजा है, क्योंकि आई थिंक ऐसा कभी कोई भी शो पे नहीं हुआ है कि ऐसी एक चीज बनी है और उसके साथ जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा फनी है। नहीं, नॉट एट ऑल, देखो मैं भारती और हर्ष के मैं बहुत सालों से जानती हूँ, भारती और मैंने तो बहुत शोज किए, हर्ष अभी आया है, बट आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत से अपना काम, कॉमेडी कोई खाने का काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। और प्रतीक और निशान तो मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई दो कोई अगर बॉलीवुड के स्टार्स भी आते हैं, आई वुडंट बी सो एक्साइटेड जितना एक्साइटेड मैं इनको देखकर होती हूँ। तो मुश्किल ज़रा भी नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई सेड, मुझे टास्क देने हैं और इनसे पनिशमेंट्स करवानी है, जिस दिन मेरे से टास्क करवाएंगे शायद उस दिन मुश्किल आएगी मुझे। उस दिन हमको ही आप मुश्किल दे दोगे मेरे को। हाँ, चलिए मैं अगला सवाल।
और इतनी बिंदास है, इतना मतलब बिना एक्सप्रेशन के ऐसी बात कह जाती है कि अरे ठीक कहा कि गलत कहा। मतलब प्रतीक, प्रतीक को मैंने बिग बॉस में बहुत डांट लगाई है। आई थिंक बाहर आके ऑफ कैमरा वैसी है जैसे हम ऑन, नहीं जैसे हम ऑन जैसे होता ना, ये ऑन कैमरा भी वैसी है, ऑफ कैमरा भी वैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इतना ध्यान रखती है कि तू बैठ जा, तू बैठ के कर, मैं खड़ी रहती हूँ, ये वो। तो इतना अच्छा लगता है कि मैं, हम इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैम तो पैसे बढ़ाऊं, पैसे बढ़ाऊं है। अच्छा देखो, और मैम के साथ बात करना मतलब होता है ना, चाय पे चर्चा हो रही है। तो मैं जब मैम को मिला, हम सिर्फ मतलब जब तक कोई शॉट नहीं चल रहा था, हम सिर्फ बिग बॉस बाकी की चीजों के बारे में, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इनको पूछने की के घर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था। एक औरत है मैम, वो थी ना चुगली वाली पार्टी में, फुल फुल। व्हाट डू यू मीन अंदर से बाहर से क्या हो? नहीं मतलब वो होती ना जो घरेलू चुगलखोर होते, पानी भरता रहता बाल्टी में, ये बताना तेरे ससुर ने क्या ऐसी बातें करती है जो घर में भाभियां मम्मियां करती है ना, सेम वैसी ही है। कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिल जाती, अगर अच्छा खाना भी बनाओ तो उसको भी टाइम लगता है। इसलिए ये खतरा खतरा शो ऐसा इतना अच्छा शो था कि अभी 3 साल बाद आया है, मतलब इतना तरसाने के बाद आया है, बड़ा है, बेहतर है। आयुष कुछ बोलना है तुझे? अलग लेवल है, अलग लेवल, फुल अलग लेवल। आई थिंक ये इन दीस टाइम्स ना यू नीड अ स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस ले चुके हैं लास्ट 2-3 साल में कि ये शो में आप मैं शूट करते वक्त भी मेरा ये हैप्पी डे है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस, एवरीवन इज लाफिंग, वी आर एंजॉयिंग, वी आर ईटिंग, वी आर शूटिंग भी हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर, एंड किड्स आर गोइंग टू लव इट आई थिंक। यस, एंड किड्स हम साथ में एकदम फैमिली की तरह सब मिलते हैं। वो तो अभी 3-5 जितनी चीजें होती है वो मुझसे 3-5 मतलब मेरे लिए बना है, वो 3-5 वैसे हो रहा है। इट्स डैम फन, बट यू ऑल शुड डेफिनेटली वॉच द शो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। कम वो वाला उधर पूछ लेना, पूछो सोलो सोलो, पूछते दे पूछते दे पूछते दे, एक कर लो जल्दी, पूछ पूछ पूछ, अरे पूछ ना, बाल ही बनाते रहो। अरे रख रहा हूं यार, अरे अरे मेरे पार्टनर से, अरे हमारे पार्टनर है लहरे। हाँ अच्छा, दिस क्वेश्चन ओनली वी, व्हिच वन? थैंक यू वेरी मच। हाँ क्या पूछ रहे थे? अरे चला गया वो, कहाँ गया वो बेचारा, बोलना था। अरे मैडम